सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली एनवीआर के लाखों लोगों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो शनिवार सुबह से सामान्य रूप से रफ्तार भर रही है, लेकिन इससे पहले दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने मेट्रो कॉरिडोर रेड लाइन पर शुक्रवार शाम को OHE टूटने से यात्री परेशान हुए। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। इस दौरान पीतमपुरा के इंद्रलोक के बीच 50 मिनट तक मेट्रो का परिचालन ठप रहा। इस वजह से शाम को व्यस्तम समय में रिठाला से गाजियाबाद न्यू बस अड्डा के बीच आवागमन में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई। इस वजह से कई स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया। रात 8 बजे तक OHE ठीक होने के बाद रेड लाइन पर मेट्रो का परिचालन सामान्य हो गया। उधर पीक आवर के दौरान इंद्रलोक से पीतमपुरा की तरफ जाने वाले रूट पर तकनीकी खराबी के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद करना पड़ा। ऐसे में दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों का परिचालन जहां चल रहा था वहीं पर रोकना पड़ा। जब काफी देर तक दिक्कत दूर नहीं हुई तो ट्रेन ऑपरेटरों को इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा, जिसके बाद लोग ट्रैक पर पैदल चलते हुए नजदीकी स्टेशन तक पहुंचे। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।